नमस्कार। आज हैदराबाद पुराने शहर पुरानी हवेली में सीपी ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे पुराने शहर के तमाम बुज़ुर्ग, जो हमारे पुराने शहर के गार्जियन हैं, जैसे कि हमारे जनाब जाफर पाशा साहब, अहमद हुसैन सटारी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब वहीदुद्दीन साहब, नजफ अली शौकत साहब, हैदर आगा साहब और उनके साथ तमाम हमारे बुज़ुर्ग लोग, सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स के साथ एक छोटी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी गुफ्तगू हुई, उसका जिस्ट, उसका सार यही है कि कुछ एक जो चंद लोग किसी भी मोटिव से, किसी भी इंटेंशन से अगर कुछ गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग सब मिलकर उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे मौके पे तमाम बुज़ुर्ग हमारे हजरत साहब लोग एक आवाज़ में सभी से अपील की है कि किसी के बहकावे में आकर या किसी के द्वारा कोई वीडियो अपलोड या कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई यूट्यूब पर अगर किसी चीज़ की गुस्ताखी की गई है, तो वो कानून के हैसियत से, कानून के तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो कैसे कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालात में किसी भी ग्रुप, किसी भी मजहब, किसी भी सेक्ट या किसी भी इंडिविजुअल को यह अख्तियार नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले। जिस किसी ने भी शैतानी की है, जिस किसी ने भी गलती की है, शरारत की है, उसके खिलाफ काम करना हमारा काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और मैं आप लोगों के जानिब से तमाम लोगों को यह अपील करता हूँ कि आप लोग ये जो गिने चुने 10-12 लोग हैं, इनके कोशिशों को आगे नहीं बढ़ने दें। ये हमारा वादा है आपके साथ, दैट वी विल टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज हु ब्रेक लॉ और हु प्रोवोक अदर पीपल फॉर डूइंग समथिंग। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत तसल्ली हुई आज सभी लोगों से मिलकर, जिसे मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, किसी भी हालत में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हैदराबाद शहर एक मोहब्बतों का शहर है। पिछले कई सालों में हैदराबाद में जो तरक्कियां हुई हैं और जिसके चर्चे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के सरहद के बाहर भी होती हैं, उसको किसी भी हाल में कुछ एक 8-10 लोगों की कोशिश से हम लोग नाकामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग सब अपने शहर से मोहब्बत करते हैं और इस शहर की आन बान और शान हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इसमें किसी तरह का कोई धब्बा हम नहीं लगने देंगे किसी भी हालत में। हमारे मुफ्ती लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग, पुलिस के द्वारा, पुलिस की तरफ से जितने इनिशिएटिव लिए गए, चाहे वो रात के वक्त का एडिशनल पेट्रोलिंग हो या सीनियर ऑफिसर्स के आने का जिक्र हो, उनकी तारीफ हमारे लिए हौसला अफजाई की का काम करता है। और ऐसे मौके पे
मैं मीडिया के जानिब से मैं यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम खास करके यंग लोगों का कि ऐसे मौके में मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप और हम मिलकर ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, उनको नंगा करें जो कि हैदराबाद के सेक्युलर फैब्रिक को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में डिपार्टमेंट और कम्युनिटी एक साथ मिलकर हर वक्त 24 घंटे सब काम करेगी और हम लोग उन गिने चुने लोगों को दिखा देंगे कि आपके शरारत, आपके द्वारा किया हुआ गलत काम, इससे कोई आपके आपको जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। हैदराबाद शहर आने वाले समय में आने वाले नस्ल के लिए एक ऐसा शहर है जहां लोग अच्छी नौकरियों का सपना देखते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए खड़ी हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई पीढ़ी उसके तरफ देख रही है। और ऐसे मौके पे अगर कोई आदमी दूसरी तरफ कोशिश करता है या इशारा करता है तो हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर मैं मीडिया के तरफ से तमाम बुज़ुर्गों को जो आज आकर इस गुफ्तगु में शरीक हुए, अपने दिलों की बात को कहे, इजहार किए अपनी, उन लोग के साथ मिलकर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट एक साथ एक ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसा माहौल में रहेंगे जिसमें किसी भी शरारती लोगों को पनाह की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया। केस रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है और एविडेंस के आधार पर, एविडेंस के बेसिस पर हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे और वो आपके सामने जल्दी ही आएगा। सर अब्बास अली रजवी का अभी तक कुछ पता नहीं चला सर, जो वीडियो वायरल हुआ सर। जो भी कंप्लेन हम लोगों को मिली है, जिसके बारे में हम लोगों ने FIR बुक की है, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन मेरिट वी विल टेक एक्शन। और जिस किसी ने भी अगर कुछ गलती गुस्ताखी की है उसकी गुनाहों की सज़ा कानून के तहत, कानून के पैरामीटर्स में ज़रूर मिलेगी।